I'd like to speak to you, please, Miss Stuyvesant. Oh, go right ahead. I want you girls to ask me questions. Well, I guess I have what you called a round face. And I wear my hair the way you said I shouldn't. But I don't see how things like that and posture and mannerisms and the other things will make a girl more popular if she's not pretty to begin with. दुनिया के हर कोने में ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस का एक अलग स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड हर इंसान के लिए यूनिक हो सकता है। पर ऐसा क्या है हमारे फेशियल फीचर्स में जो दूसरों को अट्रैक्ट या रिपेल करता है? क्यों पहला इंप्रेशन किसी को मिलना नहीं पर उन्हें देखना होता है? इन क्वेश्चंस का आंसर हमें मेनली तीन चीज़ों में मिल सकता है, फेशियल सिमेट्री, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन एंड एवरेजनेस। जब भी हम किसी को सबसे पहले देखते या फिर मिलते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनका फेस कितना सिमेट्रिकल है, यानी उनके फेस की एक साइड उनके दूसरी साइड से किस हद तक मिलती है। हमारे ब्रेन को सिमेट्रिकल फेसेस एसिमेट्रिकल फेसेस से ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि सिमेट्री एक इंसान की हेल्थ को दर्शाती है। एसिमेट्री फेस की डेवलपमेंट के टाइम हुई अबनॉर्मेलिटीज से भी रिलेटेड होती है और एनिमल्स में एसिमेट्री ज़्यादातर पैरासिटिक इन्फेक्शंस का भी साइन होती है। ऑल्दो ऑलमोस्ट हर इंसान के जीन्स प्रोग्राम्ड होते हैं एक सिमेट्रिकल फेस बनाने के लिए, पर कई फैक्टर्स जैसे एज, इन्फेक्शंस, डिजीजेस, स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स फेस को एसिमेट्रिकल बना देते हैं। सो अगर हम देखें कि किसी का फेस सिमेट्रिकल है तो सबकॉन्शियसली हमें पता चल जाता है कि इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और इनके साथ बच्चे पैदा करें अगर हम तो वो काफ़ी हेल्दी होंगे और वो बीमारियों से बचे रहेंगे। दिस इज वाई नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमें सिमेट्रीज इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं और इस साइन को फॉलो करने पर हमें दूसरों के ओवर एवोल्यूशनरी एडवांटेज मिल जाती है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हॉर्मोन्स हमारी फिजिकल ग्रोथ, मूड, मेटाबॉलिज्म और बॉडी के कई बाकी फंक्शंस को कंट्रोल करने के अलावा हमें हमारे उन फीचर्स को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं जो हमें अट्रैक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोजन ऐसे फीचर्स को प्रोमिनेंट बनाता है जो फर्टिलिटी को इंडिकेट करते हैं, और मेल्स को भी वही फीमेल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं जिनमें फर्टिलिटी के साइंस हों, जिससे पता लगे कि विमेन ना तो ज़्यादा छोटी है एज में और ना ही ज़्यादा ओल्ड है। एक फेस जो कि काफ़ी बच्चों जैसा होता है वो सिग्नल देता है कि ये फीमेल अभी फर्टाइल नहीं हुई है, और एक फेस जो कि काफ़ी मेच्योर लगता है वो इंडिकेट करता है कि इस वुमन का फर्टिलिटी पीरियड निकल चुका है। दिस इज़ वाई एस्ट्रोजन राइट बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा नहीं होता तो मेल समझ ही नहीं पाता कि किसके साथ मेट करने पर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन होएगा और किसके साथ नहीं। अगर हम फिजिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो फीमेल्स जिनकी बड़ी आइज, फुल लिप्स और चिन नैरो होती है, उनके ये फीचर्स यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ हाई चीक बोन्स मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये एक आइडियल लुक होती है फीमेल्स की जो मेल्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और तभी हमें ये फीचर्स सुपर मॉडल्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड, मेल्स के केस में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होने का मतलब हैवी आईब्रोज, थिन चीक्स और स्क्वेयर जॉज। ऑल्दो हाई टेस्टोस्टेरोन एक मेल बॉडी पे काफ़ी हार्श होता है, और एवोल्यूशन की वजह से ये एक और सिग्नल बन गया कि जो मेल्स ज़्यादा फिट होते हैं सिर्फ वही हाई टेस्टोस्टेरोन से इम्यून सिस्टम पे हुए इम्पैक्ट्स को झेल सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज दिस है। थर्ड फैक्टर थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव साउंड कर सकता है क्योंकि इसमें वो फीचर्स हैं जो कि एक ग्रुप में काफ़ी कॉमन होते हैं। कॉमन फीचर्स टिपिकली एक इंडिविजुअल यूनिक फेस से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि फेस की एवरेजनेस इंडिकेट करती है कि वो जीन्स काफ़ी बार रेप्लिकेट हो चुके हैं और वो इतने हेल्दी हैं कि वो अभी तक टिके हुए हैं और उनको फ्यूचर पॉपुलेशन में ले जाना सेफ है। ये एवरेज फेसेस को चूज़ करने की प्रेफरेंस काफ़ी कॉमन है, पर इस पर भी कई लिमिट्स हैं क्योंकि अगर एक ग्रुप में एवरेजनेस काफ़ी बढ़ चुकी है तो उसका मतलब उसमें इन ग्रुप ब्रीडिंग हो रही है, इसकी वजह से उसमें लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। इस केस में लोग ग्रुप के बाहर ऐसे ऑप्शन ढूंढने लगेंगे जिनमें मिक्स्ड फीचर्स हों। ये इसलिए क्योंकि मिक्स्ड फीचर्स डिफरेंट पॉपुलेशंस, जेनेटिक डाइवर्सिटी और अलग अलग एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट होने की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स की प्रेफरेंस काफ़ी सब्जेक्टिव होती है, लेकिन अगर वो फीचर्स किसी तरीके से रिप्रोडक्टिव या फिर एवोल्यूशनरी एडवांटेज से रिलेटेड हैं तो टाइम के साथ साथ वो पूरे ग्रुप की ही यूनिवर्सल प्रेफरेंस बन जाएंगे और वो हमारा नया ब्यूटी स्टैंडर्ड होगा।